हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की बात की थी पीजीपीपी में। अब तक हम लोगों ने जो सेक्शंस कवर कर लिए हैं उनमें है सेक्शन 28। 5 मिनट लगेगा, रिकैप कर लें। जी सर, बिल्कुल रिकैप कर लें। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। हम लोगों ने देखा था सेक्शन 28 में एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन केस ऑफ एनी कंपनसेशन और अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, not other than Indian. Last, vesting of the management in favor of the government organization, government, government authority, government corporations, local authority, etc. In case of an export, SSC profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on sale of duty entitlement passbook. Scheme and insurance policy, any salary, bonus, commission or remuneration, whatever the name is, including interest, received or receivable by any partner from its partnership firm shall be chargeable to tax under the head PGBP. Achha, the value of any benefit or perquisites, whether convertible into money or not, arising from business or exercising of profession. Section 35 AD. अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी, एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइज लाइसेंस फीस फॉर्मूला एक्सेट्रा और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी नॉन कम्पीट फीस, जिसके बारे में मुझे आपको बताना भी है और मैंने बताया भी है। दैट वॉज योर सेक्शन 28। सेक्शन 29 हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीपीपी। सेक्शन 30 से 43 डी तक को देखो, हमको ना देखो, ये बोलता है सेक्शन 30। सेक्शन 31 में बताया था बिल्डिंग पर किए गए रेवेन्यू नेचर के खर्चे, ऐसी बिल्डिंग जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर अगर हमने रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस और टैक्स का कोई एक्सपेंडिचर बियर किया है, दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी पर किए जाने वाले रेवेन्यू नेचर के खर्चे, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड रेंट हमारा सेक्शन 37, जो रेजिडिवरी सेक्शन है, याद आ गया। जी सर, 37 कहता है, सेक्शन 37 कहता है अगर कोई खर्चा, अगर कोई एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 32-36 में कवर नहीं होता, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया गया है, बिजनेस के लिए किया गया है, पर्सनल नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, देन सेक्शन 37 इज देयर। मैं हूं ना, इज इट क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन, ढंग से सुनेंगे, हम लोग इसी टॉपिक पर थे। सेक्शन 32 कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट टू द ओनर ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल ओनर विच इज टू बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स बाय यूजिंग द WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। दैट्स इट। ये सेक्शन 32 की डेफिनेशन थी। हम लोगों ने इसमें अकाउंट्स और टैक्सेशन के बीच में डिफरेंसेस भी देखे थे। मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, देन इन दैट केस द 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज और अलाउड। इज इट क्लियर? आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेशन जब हमने छोड़ा तो शायद 8 या 9 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। Most probably 9 questions we have already seen. This is your question number 10. आज हम लोग question number 10 से starting करेंगे और बहुत ही अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं। अगर question number 8 करवाया था last session में, this is question number 9. लेकिन मुझे जहां तक याद है, we have done already question number 9. चलिए question number 10 देखते हैं। April 2017, इसमें 3 एसेट्स हैं। मैंने कहा था फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर इसका लेना देना हो जाएगा।
हमने सिंपल क्वेश्चन दिया है केवल आपको रिकैप करने के लिए, ताकि आप जितने भी भूले बिसरे कहानियां हैं वो थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट हाउ मच सर? 5 लाख। एड करूं इसमें? जी सर एड करिए आप। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, अब तो याद हो गया होगा सारा सेंटेंस, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस ब्लॉक के लिए अगर हमने कोई एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्वायर किया, देन वी हैव टू एड इट फर्स्ट। आफ्टर दैट वी विल डिडक्ट द अमाउंट विच हैज बीन रिकवर्ड और रिसीव्ड ड्यू टू सेल, डैमेज, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं मनी पेबल, और मैंने आपको लास्ट क्लास में मनी पेबल का मतलब बता दिया था, मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड एक्सेट्रा मैं लिख देता हूं। हाउ मच? आपके पास कई एसेट्स थी, ए बी सी और डी आपने बाय की, टोटल 4 एसेट्स हो गई, लेकिन आपने केवल एक एसेट बेची है। ये देखिए ढंग से, ए बी सी 3 एसेट्स ये, डी बेची कौन सी? केवल ए। अब आपके पास एसेट्स कितनी बची? सर बी सी एंड डी, दिस इज इन अ ब्लॉक, हाउ मच? 20,000। WDV फॉर डेप्रिसिएशन purposes, हमने इसके पीछे आपको सारे लॉजिक्स दे दिए हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सारे लॉजिक्स देख लिए हैं क्यों और कैसे। अच्छा, तो माइनस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, मैंने कहा था नई एसेट अलग करो, पुरानी अलग करो, बोलना। यस सर। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? तो न्यू कितने की? 20,000 सर, जबकि खरीदी कितनी गई थी? 2 लाख। तो अब मुझे यहां पर दोबारा आपको नहीं बताना क्यों 20,000, बता चुके हैं लास्ट सेशन में, डिटेल में डिस्कस हुआ है। क्या 180 दिन से कम एसेट यूज हुई है? नहीं सर, ये तो 1 जुलाई है, तो सीधे सीधे 20% डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज 4,000। दिस इज आर आंसर। सर ये आपने करवाया क्यों क्वेश्चन? ये तो हम लोग को आ रहा था। मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चंस का जो एक समराइज रिकैप देना था वो मैंने दे दिया, चीजें जो भूली बिसरी थी वापस दिमाग में चली गई। इसको कर ले तो हम लोग अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा जल्दी करेंगे। मैं पूरी चीज हटा देता हूं, बोर्ड भी साफ कर देता हूं और आपका दिमाग भी। देखें इधर, मैंने इसको लिख दिया
एसेट कितने में बेची? 680 की जगह 780। कुछ धमाल समझ में आया? जी सर। ओपनिंग WDV कितनी? 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना? 2 लाख। मनी पेबल कौन सी एसेट गई है? सर केवल ए गई है। कितने में? 7,80,000 में। मैंने आपको बोला था दिस इज योर हक मतलब राइट, ये आपका हक है कि आपको कंप्लीट डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाए। यू वी आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू ₹7 lakhs इन डिफरेंट सो मेनी इयर्स, बट नाउ यू जस्ट रिकवर्ड आउट ऑफ दैट कॉस्ट ₹7,80,000। यू वी आर कैपेबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ ₹7 lakh, बट यू गेट द बेनिफिट ऑफ ₹7,80,000। 7 लाख मैंने खर्च किया, 7,80,000 वापस मिल गया। 7 लाख खर्च किया, 7,80,000 मुझे वापस मिल गया। क्या करें? 7 लाख पूरा मिला या नहीं मिला? सर पूरा मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। जितना हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलना चाहिए था उससे ज्यादा तो हमने रिकवर कर लिया, तो अब डेप्रिसिएशन क्यों सर जी? अब डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगा? अरे भाई 3 एसेट अभी भी बची हुई हैं, BCD, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? अरे नहीं सर जी, नहीं मिलेगा। टोटल जब 7 लाख का बेनिफिट लेना था, अब चीजें ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप में है, ब्लॉक में है, तो जब 7 लाख का ब्लॉक था, 7 लाख का 7 लाख मिल गया, तो बात खत्म करिए, अब डेप्रिसिएशन मत लीजिए, नहीं तो नॉर्मल कंसेप्ट हम लोग का बिखर जाएगा, टूट जाएगा। मैं भी आपके साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं। 7 लाख रुपए की एसेट का मुझे एज अ डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलता इसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए, लेकिन मुझे कॉस्ट कितनी रिकवर हो गई? 7,80,000। और हम लोग यहां जो वर्ड यूज करते हैं WDV फॉर व्हाट पर्पजेस? डेप्रिसिएशन पर्पजेस। तो डेप्रिसिएशन के लिए तो अब आपके पास कितना बचा? आप मैथमेटिक्स के नए आर्यभट्ट बन रहे हैं, आप 7,80,000 में से 7 लाख या 7 लाख में से 7,80,000 माइनस करने पर 0 लिख रहे हैं। मैथमेटिक्स गलत हो गई, बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ मैथमेटिक्स नहीं सीखने आए हैं, हम लोग यहाँ कंसेप्ट देख रहे हैं, व्हाट द वर्ड हैज बीन यूज्ड। WDV फॉर व्हाट पर्पजेस? डेप्रिसिएशन पर्पजेस। व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस? 0। अंडा, भेली, निल, सन्नाटा। तो सर ये 80,000 का क्या होगा जो एक्स्ट्रा मिला है? उसके लिए हम चले जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? कैपिटल गेन। और इंपॉर्टेंट नोट लिख देंगे, ऑन डेप्रिशिएबल एसेट, यहां पूरा सेंटेंस में लिख देता हूं, आधा अधूरा नहीं लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, ऑलवेज कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, लेकिन कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये याद रखेंगे कि जब हम PGBP चैप्टर कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को चैप्टर पढ़ना है कैपिटल गेन, जो बताता है कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन अराइज होता है। तो सर अभी तक तो इसके पहले भी तो हम लोग कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे थे, वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन उसकी वैल्यू इस ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू से कम थी, जिसके कारण कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाती थी WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। जरा जितने भी क्वेश्चन 9-10 करवाएं, जरा देख कर देखें कि इसकी सेल वैल्यू हमेशा इन टोटल की वैल्यू से कम थी, लेकिन ये पहली बार है जब इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से
अधिक है, जिसके कारण मजबूरन हमको अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 7 लाख की चीज 7,80,000 में बेचेंगे, एक ही एसेट थी, 7 लाख की 7,80,000 में बेची, क्यों मान रहे हो ये ऐसे था ये ऐसे था, 7 लाख की चीज 7,80,000 में बेचेंगे तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, कैपिटल गेन। लेकिन कौन से नेचर का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ऐसा क्यों, जबकि हम लोगों ने आज तक नहीं जानते कैपिटल गेन क्या होता है, या जानते भी हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि 3 साल से ज्यादा का लॉन्ग टर्म होता है, 3 साल से कम अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग होती है तो शॉर्ट टर्म होता है। एग्री विद यू, आप इतना जानते हैं। लेकिन एक बात बताएं, ये जब मुट्ठी बनती है, जब ग्रुप बनता है, तो इसमें कोई एसेट 2 महीना पुरानी, कोई 2 साल पुरानी, कोई 10 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी, कोई 2 महीना पुरानी, कोई 1 दिन पुरानी, हमें नहीं पता चलता इस ब्लॉक में कौन सी एसेट्स हैं, कितने समय पुरानी एसेट्स हैं। तो हम मानते हुए चलते हैं पुराना निकल रहा है, पुराने का डेप्रिसिएशन मिलता जा रहा है, बड़ी जल्दी मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया नया और पुराने में, सीधे कहा गया ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, दैट्स इट, दिस इज द वन लाइन सेंटेंस, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। नाउ इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, चलो कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन, कितने रुपए में बिकी है एसेट्स, 7,80,000 में, जबकि ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू क्या थी, 5 लाख प्लस 2 लाख, टोटल कितने की वैल्यू थी एसेट्स की, सर 7 लाख की, 7 लाख की चीज हमने कितने में बेच डाली, तो हमारे पास 80,000 क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस में, दिस इज योर आंसर। ये पहला तरीका है ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होने का। ध्यान इधर दें, कॉपी पर ध्यान देना बंद करें, कैलकुलेशन को मारे गोली, इधर ध्यान दें। ब्लॉक ऑफ एसेट केवल 2 जगहों पर सीज टू एग्जिस्ट होता है। ये ब्लॉक ऑफ एसेट केवल 2 ऐसी कंडीशंस हैं जब ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। द फर्स्ट वन कंडीशन इज दिस वन, नाउ द ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट, दिस इज द कंडीशन वेयर इट बिकम्स 0, वी आर नॉट कैपेबल टू चार्ज डेप्रिसिएशन बिकॉज द वैल्यू इज 0, रिजल्टेंट वैल्यू इज 0। इट कैन बी सेड दैट द ब्लॉक ऑफ एसेट इज सीज टू एग्जिस्ट, दिस इज द फर्स्ट वन कंडीशन। ये मैं हटा सकता हूं, चलो अभी नहीं हटाते हैं। दूसरा केस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, नोट हो गया होगा, कर लो नोट। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 12 है शायद, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 स्टार्ट किया था, 11th था, अब ये 12th है। अब मैं लिख दूं एसेट ए बी सी डी सोल्ड कितने रुपए में, 4 लाख रुपए में, ये दूसरी कंडीशन है। मेरे पास ए बी सी डी थी, ठीक है, मैंने कितनी एसेट्स बेच ली, ए बी सी डी, बची कितनी, 0, कितने में बेची, 4 लाख, तो बताओ 7 में से 4 गया, बचा कितना, 3 लाख, गलत जवाब, 0, नया मैथमेटिक्स, नई मैथमेटिक्स सीख रहे हैं हम लोग, 0। क्यों 0, क्योंकि वर्ड मैंने क्या लिखा है, WDB फॉर डेप्रिसिएशन purposes, डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन एनी एसेट, देयर वॉज अ ब्लॉक एंड द कंप्लीट ब्लॉक वॉज सोल्ड आउट, अब बचा कितना, किस पर डेप्रिसिएशन, कोई है एसेट, झंझट खत्म, ये दूसरी कंडीशन। कितने में बेचा गया उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपए 2 रुपए 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, डजंट मीन एट ऑल, बिकॉज देयर इज नो एनी एसेट लेफ्ट इन आ ब्लॉक ऑफ एसेट, दैट्स व्हाई द ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट, दिस इज आर सेकंड वन कंडीशन। Now again, if the block of assets gets ceased to exist, again we are needed to calculate short-term capital gain. Short-term capital gain. 780 की चीज कितने में बेची है? Sorry, 7 लाख की चीज कितने में बेची है? 4 लाख में। कितने में बेची है?
चार लाख में सेल किया गया 7 लाख, तो लॉस कितना हो गया सर 3 लाख, ये निगेटिव, ये लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर आपने यहां गेन लिखा है, अरे भाई इधर देखो ना, गेन लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं यहां माइनस में लिख दूं, हो गया, प्लस को माइनस में लिख दिया, हो गया लॉस अपने आप, गेन है निगेटिव गेन है, यानी लॉस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। नाउ दीज आर दे आर ओनली दीज टू कंडीशंस विच प्रूव्स दैट व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट। सर इनको एक जगह लिख दीजिए, इसको नोट हो गया हो तो मैं हटाने जा रहा हूं। पहला था व्हेन यू वेयर एनी वन और मोर एसेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट आर ट्रांसफर्ड एट वैल्यू हायर देन द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। केवल एक या कुछ एसेट्स बेची गई हैं। दूसरा व्हेन ऑल एसेट्स ऑफ द ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड। ओके, जब ब्लॉक की सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी जाएं तो कितने में की कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? जी सर। तो आपने ये दो कंडीशंस दिमाग में सेट कर लेनी है, और ये कंडीशंस केवल यहां नहीं, जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, आज के लेक्चर्स पर वापस ले आऊंगा और मैं कहूंगा देखो मैंने जब आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो उस समय मैंने कुछ ऐसे ही बताया था, तो आपको याद आएगा, रीकैप आएगा। हटा दें, हम लोगों ने बेसिक सारे खत्म कर लिए डेप्रिसिएशन के। मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बोली थी, ये गागर में सागर है स्टार्ट जब किया था, और ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, चाहे वो बच्चा सीए स्टैंडर्ड का हो किसी भी लेवल में, सीएमए स्टैंडर्ड का हो किसी भी लेवल में, सीएस के स्टैंडर्ड का हो किसी भी लेवल में, या कोई और हो, इवन प्रोफेशनल्स, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन दिस एरिया, दे हैव द कंफ्यूजन। क्यों? इसमें तो कुछ था ही नहीं सर, तो कंफ्यूजन काहे का, कंफ्यूजन काहे का जरा बताते हैं हम आपको। हमने एक वर्ड यूज किया था, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। याद आया? बिल्कुल सर, कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब इसको भूलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या, और ये याद रखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन आज के सेशन में खत्म होने वाली नहीं है, इट विल कवर आर नेक्स्ट सेशन कंप्लीटली। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो भी पूरी तरह से ले डूबेगा। तो आज का जो बचा खुचा सेशन है उसमें तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, बट इन आर नेक्स्ट सेशन ऑल्सो विल हैव टू टैकल द वर्ड एक्चुअल कॉस्ट। सर इसमें ऐसा क्या है एक्चुअल कॉस्ट में, जरा ढंग से देखेंगे। वर्ड यूज किया गया है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। मैंने जब पढ़ाया तो उस समय मैंने बोला परचेज वर्ड हम लोगों ने नहीं यूज किया, जबकि कई बुक्स ने इसको एसेट परचेज का वर्ड यूज कर लिया है। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट द थिंग्स विच इज टू बी रिटन लाइक दिस। क्या है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? एक्चुअल कॉस्ट डिफाइंड किया गया है अंडर सेक्शन 43(1) में इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी शैल बी रिड्यूस्ड by that portion of the cost which is फिर पेन चल गई ना आप लोगों की,
फिर पेन चल गई ना, रुकने के लिए बोला था ना, जब मैं लिखूं तो पेन नहीं चलनी चाहिए। देख, एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और ऑथोरिटी। Now this is the definition which is given under section 43(1). Now what it says exactly? Actual cost कहता है, मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार से मैंने कहा ये मशीन कितने की, उसने कहा ये मशीन आपको हम दे देंगे 1,00,000 रुपए में। Now I am happy, I just want to buy this one machine by paying ₹1,00,000. But as and when I was paying that, मेरे फ्रेंड ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, दोस्त तू तेरे पास 1,00,000 रुपए हैं? मैंने कहा मजाक में, नहीं नहीं मेरे पास 1,00,000 नहीं, 90,000 या 10,000 कम पड़ रहा है, चल बाहर चलते बाद में देखेंगे। उसने कहा तू मेरे रहते बाद में एसेट खरीदेगा, ये दोस्ती किस काम की है, दोस्त क्यों बनाते हैं, पैसे ही देने लेने के लिए? तो हाँ, तो एक काम करते हैं, तू 10,000 हमसे ले ले। मैंने कहा ठीक है दोस्त, उधार रहा। कहा कैसा उधार, कोई उधार उधार नहीं है, ले ले तू 10,000, वापस मत करना। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे होते, भगवान ऐसे दोस्त मुझको भी दे। दो दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे, डाकुओं ने घेर लिया, कहा जो जो तुम लोगों की जेब में है, जो जो सामान तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। अब पहले दोस्त के पास 2,00,000 रुपए थे, दूसरे के पास कुछ हो, तो तुरंत पहले दोस्त ने अपनी जेब से 2,00,000 रुपए निकाल करके अपने पहले वाले दोस्त के हाथ में दिए, दूसरे वाले दोस्त के हाथ में दिए और कहा दोस्त जो मैंने तुझसे पिछले साल 3,00,000 रुपए उधार लिए थे ना, आज 2,00,000 का अट्टा बट्टा, अब मुझसे तू 1,00,000 रुपए और ले लेना बाद में, ये 2,00,000 रुपए मैं तुझे तेरा वापस करता हूँ। बताओ कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं, क्योंकि हर एक दोस्त गलत नहीं जरूरी होता है। तो यहां पर बताओ 1,00,000 रुपए का मैंने पेमेंट करना था, 10,000 मेरे दोस्त ने कर दिया, तो मेरी जेब से कितना निकला, 90,000। नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट टू मी, एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट शैल आई राइट इन माय बुक्स अंडर द टैक्सेशन सिस्टम, दैट वुड बी ₹1,00,000 और 90,000। अगर आपका जवाब 1,00,000 है तो आप बिल्कुल सही, गलत नहीं। अरे नहीं भाई, गलत हैं, सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेक्शन कहता है कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी 1,00,000 शैल बी रिड्यूस माइनस दैट पोर्शन, कितना, 10,000, क्यों, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय फ्रेंड, 10,000 जो मेरे दोस्त ने लिया दिया है उसको माइनस कर लो तो 90,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी शैल बी रिड्यूस बाय दैट, रिड्यूस यानी माइनस कर दो, दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड इट इज टू इजी, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो सर इसमें हाथी के दांत आपको कहां दिख गए? मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि केवल इतना ही नहीं है एक्चुअल कॉस्ट, इसका पूरा नेक्स्ट सेशन तक कवर करेगा। क्या है इसमें? इसमें अब आपको जो हम पढ़ाएंगे वो है एक्सप्लेनेशंस। क्या है? एक्सप्लेनेशंस। और एक दो एक्सप्लेनेशन नहीं है, पूरे के पूरे 12 एक्सप्लेनेशन दिए गए। कितने एक्सप्लेनेशन दिए गए? 1 to 12। तो हम लोग पहला एक्सप्लेनेशन पहले एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 43(1). क्यों सर ऐसा क्या है इसमें कि 12 एक्सप्लेनेशंस देने पड़े? एग्जांपल के तौर पर एक दो टॉपिक देख लेते हैं, क्यों आखिर ऐसा एक्सप्लेनेशन आया।
बोलूं, आपने मुझे गिफ्ट दिया, आपने अपनी एक मशीन मुझे दे दी, मैं आपका दोस्त हूं, आपने मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी एक मशीन मुझे दे दी और आपने मुझसे एक रुपए भी नहीं लिए। अब आप बताएं कि वो जो मेरे पास एसेट आई है आपके यहां से, वो एसेट हम अपने बिजनेस में यूज करने जा रहे हैं। कहां यूज करने जा रहे हैं? बिजनेस में यूज करने जा रहे हैं। अगर हम कोई एसेट बिजनेस में ले आते हैं तो वर्ड लिखा रहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, परचेस्ड नहीं लिखा है, एक्वायर्ड। द एक्विजिशन ऑफ द एसेट कैन बी डन इन एनी वे, किसी भी तरीके से किया जा सकता है एक्विजिशन। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द वर्ड परचेज, वी आर यूजिंग द वर्ड एक्वायर्ड। द एक्विजिशन ऑफ द एसेट कैन बी डन इन सो मेनी डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन वे इज बाय गिफ्ट। एसेट हमको गिफ्ट में आपने दे दी और गिफ्ट के बदले पैसा नहीं लिया जाता, आपने हमें वो एसेट फोकट में दे दी। अब आई तो है एसेट और मुझे लिखना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना। आप कहेंगे सर जीरो रुपए में आई है, तो आप लिख दो जीरो, ये लो। बेस्ट ऑफ लक नहीं है ये, बेस्ट ऑफ लक का इंडिकेशन नहीं और लाइक का भी नहीं है, ठेंगा है। नहीं ये लाइक है ना बेस्ट ऑफ लक है, आज की डेट में ये ठेंगा। मैंने वर्ड क्या यूज किया? आपने मुझे एसेट तो दी, फ्री में दी। नाउ टेल मी एट व्हाट प्राइस शुड आई राइट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी अंडर द टैक्सेशन सिस्टम, नॉट अकाउंट्स, अंडर द टैक्सेशन सिस्टम, हाउ मच अकाउंट शुड बी कंसीडर टू राइट। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, एक्सप्लेनेशन नंबर वन। इसी तरह से चीजों को डिस्कस करते जाएंगे और ये वो स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर अब आपको डिफाइन करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड व्हाट द अमाउंट शुड बी रिटन इन द टैक्सेशन सिस्टम। जरा देखें, इधर देखें, इधर छोड़ दें कॉपी। पहला एसेट वॉज यूज्ड अर्लियर इन scientific research, now bring to use in business or profession। हम लोग एक सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च। चूंकि ये सेक्शन हम लोगों ने देखा नहीं है और आने वाला जब सेक्शन 32 विल बी ओवर देन विल स्टार्ट टू डू साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, तो हम लोग अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो पहले मैं आपको 5 मिनट इसके बारे में कुछ कहानी बताऊंगा हल्की फुल्की, ताकि हमारा ये टॉपिक खत्म हो सके, एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग जान सके। जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, गवर्नमेंट कहती है आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, आप देश की तरक्की में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, यू आर डूइंग योर ओन साइंटिफिक रिसर्च। एक काम करो, जितना भी आप कैपिटल नेचर का खर्चा करोगे, जो हम देखेंगे सेक्शन 35 में, मैं कल काम की चीज बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 35 नॉट एट ऑल। मैं आपको सेक्शन 35 की स्टडी नहीं करवा रहा हूं, मैं केवल एक हिंट दे रहा हूं। सेक्शन 35 बोलता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए कि आप कोई भी खर्च कर लो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, यानी कैपिटल नेचर हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो, इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, you will get the deduction of expenditure 100% in the same previous year in which you are going to incur the expenditure, except land, जमीन को छोड़कर, फिलहाल हम वहां नहीं जाना चाह रहे।
सेक्शन 35 ने बोला आप कोई भी कैपिटल नेचर का खर्च करो, आप कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्च करो, सर आप क्या बात कर रहे हैं, बोलने से पहले दो बार सोचिए। बिल्कुल नहीं सोचूंगा मैं, बिल्कुल सही हूं, मैं फिर से बोलता हूं, गवर्नमेंट ने बोला, टैक्स के सिस्टम ने बोला, प्रोविजन ने बोला कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पर कोई खर्च करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, 100% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर विल बी गिवन टू यू एज अ डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच यू विल इनकर दैट। अच्छा, there is no any problem or issue regarding the revenue nature expenditure because these are the expenditure which are to be treated as charge against profit, means our profit can be converted into loss by deduction of revenue nature expenditure. Revenue nature expenditure mein koi but if nahi ho sakti, our profit can be converted into loss, but as for as it concerned with the topic relates to depreciation, I have already told you that depreciation is to be treated as an allowances under the Income Tax Act. That's why the deduction can be given to you as a depreciation only to the extent of availability of profits. Beyond that, the amount of depreciation would be treated as unabsorbed depreciation. Or last session mein maine aapko unabsorbed depreciation ke bare mein ye cheez batayi hai clearly. So problem revenue nature ke expenditure mein nahi hai. Whatever the revenue nature expenditure are there regarding the scientific research, 100% of those expenditure will be deducted. Whether our profit is going to be converted from profit to loss or profit to profit, doesn't mean at all. But what about your capital nature expenditure? The same concept will be prevailed over here. The capital nature expenditures deduction can be availed by an SSE to the extent of availability of profit. Agar aapke paas profit hai, maan lijiye aapne kharch kiya revenue nature ka 2 lakh और कैपिटल नेचर का 5 लाख, तो टोटल आपको डिडक्शन कितना मिलना चाहिए? सर 7 लाख। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट जानते हैं कितना है? केवल 3 लाख का प्रॉफिट है। तो 3 लाख का प्रॉफिट है, एनी हाउ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर विल बी डिडक्टेड एट ऑल। 2 लाख का 2 लाख पूरा डिडक्ट हो जाएगा, बचा कितना? 1 लाख। तो आपको इसका डिडक्शन लेना है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकता। वी कैन गेट द डिडक्शन ऑफ ₹1 लाख। व्हाइल वी वेयर कैपेबल टू गेट द डिडक्शन ऑफ कंप्लीट 5 लाख, हम पूरा 5 लाख रुपए ले सकते थे अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट होता। सोचो, कैपिटल नेचर का 100% डिडक्शन आपको उसी साल मिलने जा रहा है जिस साल आपका ऐसा खर्चा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट की कमी की वजह से हम ऐसा डिडक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब प्रॉफिट की कमी की वजह से ऐसा डिडक्शन नहीं ले पा रहे, इसका मतलब बाकी जो अमाउंट बचा वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता उसका डिडक्शन। इसको हम लोग कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। जैसा हम लोगों ने अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन देखा था, इन द सेम वे दिस टाइप ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट इज टू बी नोन एज अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। नाउ द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹4 लाख विल बी डिडक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर आउट फ्रॉम द अवेलेबल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? जी सर। अब कोई डाउट? नहीं सर। जब सेक्शन 35 आएगा फिर से डिटेल में देखेंगे। अब बताओ मुझे डिडक्शन कितना मिलना था? 5 लाख। मुझे डिडक्शन मिला कितना? केवल 1 लाख। मान लेते हैं मेरे पास सफिशियंट प्रॉफिट था, आई हैव प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, 6 लाख की अवेलेबिलिटी थी, 5 लाख का 5 लाख पूरा डिडक्ट हो जाएगा। जी, उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख। अब मेरे पास साइंटिफिक रिसर्च नाम से कितना पैसा बचा? 0, 0, 0, कुछ भी नहीं बचा। तो अब बताएं कि मेरे लिए अब ये एक बात बताओ, चलो एक बात और आपको एक चीज में फंसाता हूं। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा ये सोचते हुए इसकी लाइफ 2 साल है, आज वो 2 साल बीत गया, मैंने उस एसेट का 100% डेप्रिसिएशन ले लिया इन 2 सालों में, हो सकता है? जी सर। अब बताओ क्या मैं कंप्यूटर बिजनेस में यूज करूंगा? खत्म हो गया ना भाई, डेप्रिसिएशन पूरा ले लिया तो एसेट खत्म। ये लो डबल ठेंगा, एसेट खत्म नहीं, एसेट अभी भी काम कर रही है, सॉरी वो कंप्यूटर अभी भी मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है और पता नहीं आने वाले 2 साल तक और यूज हो। फ्रॉम द बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव कंप्लीटली रिटन इट आउट फ्रॉम आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, इन फ्यूचर वी विल नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन इन दैट, but still the asset is in use in our business normally। अब बात समझ में आई?
डेप्रिसिएशन एसेट का बुक्स में जीरो हो जाने का मतलब ये नहीं होता द एसेट इज नेवर बीन यूज्ड आफ्टर द डेप्रिसिएशन फुली चार्ज्ड ऑन दैट, नॉट एट ऑल, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एसेट पर पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसके बाद भी एसेट हो सकता है 20 साल और चले, चल सकती है। यहां पर भी वही है, मैंने 5 लाख का 5 लाख पूरा डिडक्शन ले लिया, इसका मतलब क्या एसेट अब यूज नहीं होगी, वो मशीन वो फर्नीचर यूज नहीं होगा? नहीं सर, यूज होगा, अभी तो आपने बताया। हाँ, मैंने क्या किया, अब इस फर्नीचर को अपने नॉर्मल बिजनेस में ले आया, उस मशीन को अपने नॉर्मल बिजनेस में ले आया, जहां पर मैं नॉर्मल मशीनरी यूज करता हूं अपने बिजनेस के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, ना कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए। क्या करूं, क्या उस एसेट को जब मैं यहां लाऊंगा तो ब्लॉक ऑफ एसेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि नहीं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कुछ ना कुछ लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिखेंगे सर आप। तो कितना लिखूं इस केस में, अगर 5 लाख का 5 लाख मुझे ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है तो मैं एक्चुअल कॉस्ट कितना ऐड करूंगा, ऊपर ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस नीचे एक्चुअल कॉस्ट कितना ऐड करूं? सर करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही तो करेंगे आप। 5 लाख की एसेट थी, 5 लाख का डिडक्शन मिल गया, पूरा पूरा आपको पहले ही मिल चुका है, अब तो आपको डिडक्शन लेने लायक है ही नहीं, नालायक है। आपको 5 लाख का डिडक्शन मिलना था, 5 लाख का डिडक्शन आपने ले लिया है, पिछले ही साल ले लिया है, तो अब आपके पास डिडक्शन लायक कुछ बचा कहां? पक्की बात? तो 5 लाख में से 5 लाख जीरो, तो हम एक्चुअल कॉस्ट कितना लेंगे? निल। कितना लेंगे? निल, जीरो, जीरो। और अगर मुझे 1 लाख का डिडक्शन मिला था, मान लो प्रॉफिट मेरे पास था केवल 3 लाख का, तो अब मुझे कितना यहां पर एक्चुअल कॉस्ट बचेगी? सर 5 में से 1 का डिडक्शन मिल चुका है, तो 4 लाख आप यहां पर ले सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो पहले केस में 0 और दूसरे केस में 4 लाख, जितना कि अभी हमको बेनिफिट मिलना बाकी है। अब किसी का यह क्वेश्चन आ जाएगा, ढंग से सुनेंगे। मैंने कहा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, मेरे पास 3 एसेट है ए बी सी, 5 लाख की ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैंने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये एसेट डी बिजनेस में ले आए, और 5 लाख का 5 लाख मुझे डिडक्शन पिछले साल ही मिल चुका है, पूरा का पूरा डिडक्शन 100% मैंने पिछले साल ही कवर कर लिया, तो बताओ जब इस ब्लॉक में ये एसेट आएगी तो कितने की आएगी? जीरो। तो मैं अब इसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मत लिखिए, आप इसको मिटका दीजिए। ये लो ठेंगा फिर से, मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं इसको जीरो लिखूंगा, और अगर मैं जीरो नहीं लिखूंगा तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है आने वाले समय में। अब कौन सी गलती, जरा देखते हैं। माइनस मनी पेबल। अब बताओ मैंने एसेट ए को बेचा, एसेट ए को 1 लाख में बेच सकते हैं, 2 लाख में बेच सकते हैं, 3 लाख में बेच सकते हैं, 4 लाख में बेच सकते हैं, 5 लाख में बेच सकते हैं, बेच दीजिए। तो आपके पास डेप्रिसिएशन लायक कितना वैल्यू बचा? 1 लाख। कौन कौन सी एसेट ब्लॉक में बच गई? बी सी डी। कोई दिक्कत नहीं सर, इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताना क्या चाह रहे हैं। अब जरा सुने, मैंने एसेट बेच दी ए बी सी कितने में, तो मेरे पास कितना बचा, कौन सी एसेट बची? आई दादा, क्या बोला मैंने, आई दादा, 1 लाख का बच गया। कौन सी एसेट बची? डी बची, डी कितने रुपए की? 1 लाख। आई कितने में थी? 0 में। बच कितने की गई? 1 लाख की। अगर मैंने तुम लोग के चक्कर में ये ना लिखा होता तो आज शायद तुम लोग ये ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट कर दिए होते और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाले होते। आ जाते ही मैंने दोनों कंडीशंस बताई थी, मैंने अब ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट। अब बात समझ में आई, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया बेटा। सर नहीं समझ में आया तो फिर सुनो, अगर मैं आपकी ये बात मान लेता और मैं इसको यहां ना लिखता तो आप कहते हमारे ब्लॉक में कितनी एसेट, कितनी बिक गई, कितनी बची? कोई नहीं। जब जीरो बचा तो ये भी कितना हो जाएगा, और तब क्या कैलकुलेट होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, अभी भी उस ब्लॉक में डी पड़ी हुई है। हाँ या ना, कितने की आई थी? जीरो में। लेकिन अब जब एबीसीडी में एबीसी बिक गई तो बची कौन सी? डी। कितने में? 1 लाख की। तो सर अब क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं निकलेगा ना, अभी तो ब्लॉक ऑफ एसेट भी बचा हुआ है और एसेट भी बची हुई है ब्लॉक में, जीरो कहां हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट। अब समझ में आई बात? जी सर अब समझ में आया, बहुत बड़ा लोचा हो जाता अगर आप हमें ये ना बताते तो।
तो फिलहाल साइंटिफिक रिसर्च हम लोग बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में. तो एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, जितना आपको वहां से डिडक्शन मिल चुका है उसको डिडक्ट कर लेना, जो बचा आप उसको यहां पर एक्चुअल कॉस्ट मानकर जोड़ देना. ये आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है. अब हम सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. किस एक्सप्लेनेशन की? नोट करें, थोड़ा जल्दी करें. एसेट एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रांसफर. चले, ये थोड़ा सेंटेंस में हल्का कर देता हूं. एसेट एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट और विल. कोई मुझे एसेट गिफ्ट में दे तो क्या वो गुनाह है? नहीं सर, वो गुनाह नहीं हो सकता. अगर मुझे एसेट विल में मिलती है तो क्या वो गुनाह है? नहीं सर, वो भी गुनाह नहीं है. गुनाह किया क्या मैंने? कोई गुनाह नहीं किया. एसेट तो आई ना बिजनेस में, मेरे बिजनेस में कोई एसेट आई. किसी ने मुझे जमीन गिफ्ट कर दी, किसी ने मुझे बिल्डिंग गिफ्ट कर दी, किसी ने मुझे प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर गिफ्ट किया, या कोई एसेट गिफ्ट की. अब वो एसेट मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, मैंने उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज करने लायक बनाया, और जब मैं अपने उस एसेट को बिजनेस में ले रहा हूं जो गिफ्टेड एसेट है, तो एक बात बताओ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ब्लॉक में वो एसेट जाएगी? बिल्कुल जाएगी. कितने रुपए में? क्योंकि हमने तो उसके लिए दिया है जीरो, कोई भी रुपए उसके लिए पेमेंट नहीं किया. और जब उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया है तो बताओ ना कितना बेनिफिट, यहां कितना वैल्यू लिखेंगे? सर जीरो. आप भी हो गए जीरो. आपको मिलता है लड्डू. आपने जवाब दिया गलत. क्या है, मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. इसने एसेट खरीदी थी 2 लाख रुपए में. इसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया उस एसेट पर कितना. अब इसको कितना और डेप्रिसिएशन मिल सकता था अगर मिस्टर बी इस एसेट को अपने पास यूज करता? तो 50,000. और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि डेप्रिसिएशन आपका हक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपसे छीन नहीं सकती. यानी इन टोटालिटी देयर वेर ₹2 लाख विच वॉज इनकर्ड फॉर कैपिटल नेचर, विच वेर इनकर्ड एज अ कैपिटल नेचर. नाउ ओनली ₹1,50,000 हैज बीन अवेल्ड एज अ डेप्रिसिएशन बाई द प्रीवियस ओनर. नाउ स्टिल ₹50,000 बैलेंस वॉज देयर विच कैन बी अवेल्ड बाई मिस्टर बी एज अ बाई बी एज अ डेप्रिसिएशन इन सो मेनी डिफरेंट ईयर्स, नेक्स्ट ईयर्स. But now the asset has been transferred from Mr. B to A as a gift for 0 rupees. बताओ Mr. A कितने पर लिखे? सर अब समझ में आया, 50,000. अरे हाँ भाई 50,000. हमने क्या कहा, ये हक आपका कोई नहीं छीन सकता. ये 2 लाख अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो 2 लाख का आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा. इफ 1,50,000 डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर, नाउ रेस्ट ₹50,000 बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी अवेल्ड बाय न्यू एसएससी. इज इट क्लियर? जी. तो बताएं कितने पर? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन टोटल टू प्रीवियस ओनर. That's it. ये आपका था एक्सप्लेनेशन नंबर 2. अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की. किसकी?
एसेट ट्रांसफर्ड टू अवेल हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और टू अवॉइड टैक्स. अगर एसेट ट्रांसफर इस तरह से की गई है कि टैक्स चोरी हो सके या डेप्रिसिएशन ज्यादा मिल सके, जैसे ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी, बी मतलब भाई, ए मतलब आई, ऐसा नहीं है, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई. ए ने एक एसेट खरीदी 3 लाख की, इसको 2,80,000 का डेप्रिसिएशन आज तक मिल चुका है, 20,000 रुपए की वैल्यू की एसेट बची हुई है इसके पास. इसने ये एसेट अपने भाई को 5 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी, निकम्मे भाई को, कुछ करता वरता है नहीं. तो पैसा क्या, पैसा तो भाई की बात है, घर का बात घर में रहे. तो 20,000 की एसेट उसने अपने भाई को 5 लाख में ट्रांसफर कर दी, किसी को भी ट्रांसफर की मान लेते हैं. अब 5 लाख की एसेट पर इसको अब डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा, बिकॉज द परचेस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू मिस्टर बी इज रुपीज 5 लाख. नाउ ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 5 लाख. क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है ट्रांजैक्शन टैक्स चोरी के पर्पज से बनाया गया. 20,000 की एसेट आप 5 लाख रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन है कि इसको 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन तो पहले साल ही मिल जाएगा. अगर इसको डेप्रिसिएशन मिलता तो 20,000 पर डेप्रिसिएशन मिलता, अब इसके भाई को डेप्रिसिएशन मिलेगा तो 1 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन मिलेगा. उसके भाई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे और उसमें 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. सरासर नाइंसाफी. भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट हेयर द मेन इंटेंशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू अवॉइड टैक्स और टू गेट द हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम. अगर ऐसा कोई प्रूफ हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसा गलत किया जा रहा है टैक्स चोरी करने के पर्पज से या डेप्रिसिएशन हायर क्लेम करने के पर्पज से, तो वहां पर कहा गया एक्चुअल कॉस्ट एज डिटरमाइंड बाय एसेसिंग ऑफिसर. जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर हैं, जितना वो वैल्यू फिक्स करेंगे उतनी वैल्यू अब यहां मान ली जाएगी. जी ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 3. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इधर इधर उधर नहीं, कॉपी पर नहीं, इधर ध्यान दें. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हम लोगों ने देखा, बोलो ढंग से साथ में बोलना. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखा, इफ एनी एसेट was used earlier in our business or profession for the purpose of scientific research and now the asset which was used in our business for scientific purposes bring to use normally in our business or profession, then what would be the cost? Then in those cases the actual cost of the asset would be the actual cost of the asset minus deduction under section 35 already allowed. माइनस कर देंगे जो बचा, आप 35 के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे अब 32 में ला करके. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की बात करते हैं. इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट और विल, देन इन दैट केस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डिडक्शन इन टोटालिटी ऑलरेडी अवेल्ड बाय दोज अर्लियर या प्रीवियस ओनर्स माइनस जो बचा उसका डेप्रिसिएशन अब हमें मिल जाएगा. रूल नंबर 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, if any asset is transferred to claim higher depreciation amount or to avoid the tax, then in that case whatever the amount of actual cost determined by the assessing officer. Is it clear? Explanation number 4, asset transferred and bought back. ये कौन सा केस है? ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. मिस्टर ए ने कहा सरकार को, ए तू शेर है, तू सरकार है तो हम सवा शेर हैं, तू शेर है तो हम सवा शेर हैं. सरकार ने कहा तू बता कैसे. इसने कहा देख मेरे पास एक 5 लाख की एसेट है, सरकार ने कहा है. इसने कहा मैंने इस पर 4.80 का डेप्रिसिएशन ले लिया, सरकार ने कहा बहुत बढ़िया किया. इसके पास अब कितने रुपए का डेप्रिसिएशन और मिल सकता है एसेट पर? 20,000 का.
इसने ये एसेट अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया 20,000 में। सरकार से कहा बोल तुझे अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन है? सरकार ने कहा मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा, 20,000 की चीज तुमने अपने भाई को 20,000 में बेची है तो ठीक है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, हम इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो कर नहीं रहे। मैंने कहा काम हो गया तेरा? कही गवर्नमेंट हाँ। मैंने कहा अब तू जा। सरकार जैसे ही मुड़ी मैंने इस एसेट को वापस अपने यहाँ 5,00,000 में खरीद लिया। अब इस पर तो कोई कानून था ही नहीं, अब मुझे डेप्रिसिएशन कितने पर मिलना स्टार्ट होगा? 5,00,000 पर। फिर से 3,80, 4,80 में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, फिर एसेट 20,000 पर आएगी। मैं सरकार को कहूँ दारा मैं अपने भाई को ये एसेट ट्रांसफर करूँ 20,000 में, सरकार कहीं कर ले। जैसे ही सरकार वापस जाए मैं फिर 5,00,000 रुपये में खरीद लूंगा। अरे एक 5,00,000 रुपये की एसेट पर कितने रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे भाई? 5,00,000 की एसेट पर 5,00,000 से ज्यादा का डेप्रिसिएशन अवेल नहीं हो सकता। तो उसके लिए कहा गया कि इसके लिए हमने बनाया एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एसेट ट्रांसफर एंड बॉट बैक। तो अब बताओ 20,000 की एसेट अगर मैंने उसको 20,000 में बेची और फिर खरीदी 5,00,000 में, तुम लोग सच सच बताना वापस यहां कितने पर रिकॉर्ड की जाए? सर 20,000 में। कितने पर? 20,000 में। तो ठीक है 20,000 में। क्यों? क्योंकि WDB एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और रिकवर्ड रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर, आपने बोला ऐसा तो नहीं बोला आप लोगों ने, वो तो मैंने बोला। सर थोड़ा दूसरा करते हैं, हो सकता है ये एसेट 10,000 में खरीदे तो? अब बोलो भाई, अब इसने अपने भाई को एसेट बेची 20,000 में और उससे खुद खरीद रहा है 10,000 में, अब बताओ कितने पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? तब तो सर वो जब खुद चीख चीख कर रहा है 10,000 10,000, तो 20,000 का काय का डेप्रिसिएशन? तो इसका मतलब आप दोनों में से जो कम हो उसी की बात कर रहे हैं ना, 20,000 या 5,00,000, तो आप करें 20,000, 20,000 या 10,000, आप करें 10,000, तो जो दोनों में से कम हो, यानी WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर 20,000 और रीएक्वायर्ड प्राइस विच एवर इज लेस। इज इट क्लियर? तो एसेट ट्रांसफर एंड बॉट बैक में क्या होगा? WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और reacquired value whichever is higher कि lower? lower सर जी, higher कैसे? आज का एक और पॉइंट देख लेते हैं, यह है एक्सप्लेनेशन 4A टू सेक्शन 43(1), एसेट ट्रांसफर्ड एंड लीज्ड बैक। अब चूंकि पहले मैंने सोचा चलो टैक्स चोरी कर लेते हैं, इसको यूज कर सरकार ने कानून बना दिया, फिर मैंने कुछ नया हिसाब किताब सोचा टैक्स चोरी करने का, सरकार ने वहां भी कानून बना दिया, फिर मैंने एक नया तरीका इजाद किया सरकार को बनाने का, क्या मूर्ख, क्या बनाने का? मूर्ख बनाने का मैंने एक और तरीका इजाद कर लिया। जरा देखते हैं वो तरीका क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। और इसका सॉल्यूशन आज तक गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, हाँ बनाए गए हैं एक दो प्रोविजन इसके अगेंस्ट में बनाए तो गए हैं, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव मैं नहीं समझ सकता है फिलहाल। एसेट ट्रांसफर एंड लीज्ड बैक क्या है? मैंने एसेट को ट्रांसफर किया, ए ने बी को ये एसेट जो 5,00,000 की थी इस पर इसने 4,80,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था आज तक, इसके पास जो एसेट बची थी वो एसेट बची थी 20,000 की, इसने वो एसेट इसको ट्रांसफर कर दी 20,000 में। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। सरकार को है? नहीं। अब इसको ये खरीद सकता है? खरीद ले, लेकिन जो दोनों में से कम होगा। लेकिन इसने खरीदा नहीं, इसने इससे ये एसेट किराए पर ले ली, लीज पर ले ली वापस, और कहा भाई तू हमसे हर महीने 5,000 रुपए ले लेना इस एसेट का किराया, और हर महीने 5,000 का मतलब साल भर में 60,000, और 60,000 रुपए किराया अगर ये देगा तो इसका मतलब इसके PL में डेबिट हो जाएगा कितना? 60,000 रुपए अब डेबिट होने लगेगा, जबकि इसको डेप्रिसिएशन टोटल मिलना कितना चाहिए था? 20,000। ये डेबिट कितना कर रहा है एज एन एक्सपेंडिचर रेंट के नाम पर? 60,000, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन नहीं मांग रहा, ये गवर्नमेंट से किराए का डिडक्शन मांग रहा है, डेप्रिसिएशन टॉपिक से ही दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता।
60,000 रुपये अपने भाई को किराया देगा और एक साल नहीं आने वाले 5 साल तक देगा, तो 20,000 की जगह तो इसने 3 लाख का डिडक्शन ले लिया, सरकार को लगा दिया इसने चूना। तो अब सरकार ने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सरकार ने रूल बनाया। और डेप्रिसिएशन में क्या रूल बना सकती है सरकार? डेप्रिसिएशन के लिए रूल तो केवल उसी के लिए बना सकती है जो सरकार, जो उस एसेट का ओनर हो। तो यहां पर फिलहाल ओनर कौन है? ए। तो ए के लिए क्या कानून बनाया जाएगा कि देखो, अच्छा ओनर ये नहीं है, सॉरी ओनर है बी। तो सरकार कानून किसके लिए बनाएगी डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? बी के लिए। तो कहा क्या जाएगा, देखो ये जो तुम हो ना, इसने कहा हाँ मैं हूं बी, कौन हो? ए के भाई, तुमने एसेट खरीदी कितने में? 20,000 में, जितने की उसकी WDV थी उतने में खरीद लिया, बताओ सरकार तुम मेरे ऊपर क्या कर सकते हो? सरकार कहती कुछ नहीं। यानी कि सरकार केवल इतना रूल बना सकती है कि WDV ऑफ द ट्रांसफर वुड बिकम द एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफर, इससे ज्यादा कुछ भी नया रूल नहीं बना सकती। WDV ऑफ ट्रांसफर वुड बी एक्चुअल कॉस्ट, दैट्स इट। क्योंकि सरकार इसी के लिए रूल बनाएगी, टैक्स चोरी तो ये कर रहा है, सरकार केवल डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल किसके लिए बना सकती है? हु इज द ओनर ऑफ द एसेट। तो सरकार ने इसके लिए रूल बना लिया, इसके लिए दूसरे प्रोविजन है लेकिन वो इतने इफेक्टिव यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट मेरे पास जो थी एक्चुअल में, मान लेते हैं 10 करोड़ की मैंने खरीदी थी, 10 करोड़ पर एसेट पर डेप्रिसिएशन मैंने लगभग 9,80,00,000 रुपये ले लिया। अब एसेट का वैल्यू कितने बचा मेरे पास? 20,00,000 रुपये का। मैंने 20,00,000 रुपये की एसेट अपने भाई को दे दी 20,00,000 रुपये में, कोई चोरी की कोई दिक्कत है नहीं है, सरकार को भी नहीं है। अब अगर वही एसेट, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बुक्स में एसेट का गायब हो जाने का मतलब ये नहीं, मतलब जीरो हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि एसेट काम लायक नहीं है, एसेट अभी भी काम लायक है, अभी भी एसेट वो 15 साल 20 साल चलेगी। मैंने अपने भाई को बेच दी वो एसेट और मैंने वो एसेट फिर उससे किराए पर ले ली और मैंने कहा तू हर महीने मुझसे 5,00,000 रुपये लेना। सरकार कहती है तू 5,00,000 बहुत ज़्यादा दे रहा है उसको। मैंने कहा जरा मार्केट में दाम पता कर लो, ये 10 करोड़ की एसेट है भाई साहब, 5,00,000 रुपये मैं अपने भाई को महीना दे रहा हूँ, 10 करोड़ पर 5,00,000 कुछ नहीं है, मार्केट में तो इस तरह की एसेट 10,00,000 रुपये के किराए पर मंथ पर मिलती है। सरकार कहेगी बात तो सही है, तू ठीक है 5,00,000 ही दे, तो मुझे 60,00,000 रुपये हर साल का बेनिफिट मिल रहा है एज अ डेप्रिसिएशन, कहाँ 20,00,000 रुपये की एसेट बची थी और 60,00,000 रुपये मुझे एज अ डिडक्शन मिल रहा है, नॉट डेप्रिसिएशन, 60,00,000 रुपये एज अ डिडक्शन मिल रहा है खर्चे का। तो सरकार को चूना भी लग गया, हमको फायदा भी हो गया, इनकम का बंटवारा भी हो गया। फिलहाल चलें, टॉपिक इज ओवर। ये हमें टॉपिक आज आपको पढ़ाना था, नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12 इतने एक्सप्लेनेशंस हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, आप ये जो मैंने आपको 4A यानी टोटल 5 एक्सप्लेनेशंस पढ़ाए, पहला साइंटिफिक रिसर्च, कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द SSC माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, कोई भी एसेट जो गिफ्ट और विल में दे देते हैं तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड टू दोज प्रीवियस ओनर्स, जो बचेगा वो उसका डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा। अब 3 बताया एसेट ट्रांसफर टू इवेट टैक्स और टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, तो जितना एसेसिंग ऑफिसर उचित समझेगा उतना हमारा एसेट का कॉस्ट मान लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एसेट को ट्रांसफर किया और उसको बॉट बैक कर लिया, खरीद लिया वापस, तो कहा गया WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और बॉट बैक वैल्यू विच एवर इज लोअर। और 4A मैंने बताया एसेट को ट्रांसफर किया और लीज बैक ले लिया, तो कहा गया जो ट्रांसफरी है जिसके हाथ में वो एसेट है उसके लिए एसेट की कीमत यानी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, जो ट्रांसफरर की WDV होगी। इज इट क्लियर? केवल इतना बना कि इसको छोड़ दिया गया। फिलहाल नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11 एंड 12। थैंक यू।